अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब हरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा व्लॉग लेके आया हूँ। हमने घर में लगाई थी एक चीज़, तो वो क्या थी चीज़ और कैसे बड़ी या नहीं बड़ी, क्या हो गया उसका हाल तो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो की। ये देखें, हमने घर में लगाया था रमज़ान से पहले धनिया, तो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें हम, मैंने किया बाज़ार से लाया 50 रुपए का खुशक धनिया, तो उसको किया बारीक। तो घर में जगह थी तो मैंने जो है ना घर में थोड़ी सी क्यारी बना के तो उसमें लगा दिया ये धनिया। तो ये देखें, साथ लगाया मैंने लहसुन और साथ लगाए मैंने प्याज। तो ये देखें, ये धनिया देखें कितना ही प्यारा लग रहा है। सिर्फ मैंने 50 रुपए का लाया था तो काफ़ी जो है ना ये बड़ा बड़ा हो गया, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो आप भी लोग लगा सकते हैं घर में, थोड़ी सी अगर जगह है कच्ची तो उसमें थोड़ी सी क्यारी बना लें, अगर जगह नहीं है तो आप ले लें गमला, ले लें कोई बाल्टी छोटी सी ले लें, तो बाज़ार से ले आएँ 20-30 रुपये का खुशक धनिया, उसको कर लें बारीक बारीक करके आपने लगा देना उसको गमले में या बाल्टी में। तो कुछ भी नहीं उसको डालना, इसको मैंने कोई खाद कोई चीज़ वगैरह भी नहीं डाली है, सिर्फ पानी डालते रहे हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। तो आपने लगा देना उसको गमले में या बाल्टी में लगा दें और सिर्फ पानी डालते रहें। तो आगे गर्मी आ रही है तो गर्मियों में वैसे भी धनिया मिलता ही कोई नहीं है, महंगा हो जाता है। तो ये देखें, आपने लगा देना घर में, अभी से लगा लें तो ये होगा कि गर्मियों में आपको फ़ायदा भी हो जाएगा और घर की चीज़ होगी, और जो है ना घर की चीज़ तो फिर आपको पता है। ये देखें, थोड़ा सा हम तोड़ते हैं और इसको डाल लेते हैं हंडिया में, जिधर भी ज़रूरत पड़ती है, कोई साथ हम साय वगैरह भी ले जाते हैं, और कितना ही प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।